ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा अगर आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर वो निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना वो खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा जरूर, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा यदि आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, जीवन का ये चक्र तो सदा चलता ही रहता है। परिस्थितियां भी आती हैं, कभी स्वयं से, कभी परिवार से, कभी मित्रों से, कभी संबंधों से, कभी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग हैं। इन चैलेंजेस से ही जूझते जूझते कभी ना कभी हमारा मन परेशान हो जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है। हम जिंदगी में आशा खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन का नाम केवल संघर्ष नहीं, जीवन का नाम है एक सुंदर यात्रा, खुशी और शांति से परिपूर्ण यात्रा। आज इस जीवन के चक्र के अंदर यदि हम खुशी, शांति और खोए हुए प्यार को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक चीज को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, और वही हमारे समय की पुकार है, हमारी परिस्थितियों की पुकार है, हमारी प्रकृति की पुकार है, और कहीं ना कहीं मैं यूं कहूं वो हमारे स्वयं मन की भी पुकार है। और जानते हैं दोस्तों वो क्या है? वो वही है जो जीवन में सदा कॉन्स्टेंट रहती है। केवल एक ही चीज जीवन में जो कांस्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है परिवर्तन, यानी चेंज। परिवर्तन यदि हमारे स्वयं में होता है दोस्तों, तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है। हमारी दृष्टि, हमारी कृति, हमारी वृत्ति, हमारी संस्कृति और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। हम भी परिवर्तन के बारे में बहुत बात करते हैं, परिवर्तन की कई बातें सुनते भी हैं, लेकिन दोस्तों परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम उस परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाते नहीं है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। एक बारी एक महात्मा जो बहुत सुंदर तपस्या करता था, उसकी एक अजीब सी आदत थी कि वो बीच बीच में शीशे को दो बारी देख लेता था। तो कुछ लोग उसके पास गए कि भाई आप ये क्या करते हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बताता हूं मैं शीशे को दो बारी क्यों देखता हूं। उसने उनको बुलाया और कहा कि जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं शीशे में झांकता हूं। उन्होंने कहा क्या दिखता है? तो उसने कहा भाई मुझे अपने जीवन में मेरी सारी समस्याओं का कारण कौन है उसकी शक्ल दिखाई दे जाती है। सब लोग हंसने लगे, कहते हैं अरे महात्मा जी आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी। उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो, मेरे जीवन में यदि कोई भी समस्याएं आती है उसका कारण कहीं बाहर नहीं, उसका कारण स्वयं मैं हूं। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, पर उन्होंने कहा फिर आप दूसरी बारी क्यों देखते हैं? तो महात्मा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। तो उसने कहा कि जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है जिसके पास मेरी सारी जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा महात्मा जी अभी भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो, यदि मेरी सारी समस्याओं का कारण मैं हूं तो उसका सॉल्यूशन भी किसी और के पास नहीं, वो स्वयं हमारे पास है। और दोस्तों यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। नथिंग इज गोइंग टू चेंज इफ आई डोंट चेंज एनीथिंग। मेरे जीवन में यदि स्वयं ही मैं अपने अंदर संकल्पों में परिवर्तन नहीं लाऊंगा तो बाहर जीवन में कैसे परिवर्तन होगा? हम परिवर्तन की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे अच्छे संस्मरण सुनेंगे दोस्तों, लेकिन जीवन में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए आज की इस छोटी सी यात्रा पर मूल मंत्र जो हम सबको अपने साथ लेकर चलना है कि यदि समय की पुकार को सुनकर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, अपने ही संकल्पों में लाना है, अपने ही विचारों में लाना है। क्योंकि मेरा एक एक विचार मेरा अपना भी भविष्य और अनेकों अनेक हजारों लाखों लोगों का भविष्य निर्धारित कर रहा है, उसको बना रहा है जो मेरे संपर्क में आते हैं, और नहीं भी आते तो मन के द्वारा जो संपर्क में आते हैं। तो दोस्तों आज मैं छोटे छोटे आपको 5 मैसेजेस दूंगा
इन पांच बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो आप देखेंगे आपका जीवन सुख और शांति से भरपूर हो जाएगा, आपको आनंद आएगा जीवन जीने का, आपको इतनी खुशी होगी और यही नहीं जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको भी आनंदित महसूस होगा। दोस्तों पहला मैसेज जो आज हम सबको ध्यान रखना है, ये एक सुमान के रूप में स्वीकार करें कि मेरे संकल्प बहुत स्थिर और बहुत शक्तिशाली है, मेरा एक एक संकल्प बहुत पावरफुल और बहुत स्टेबल है। दोस्तों आज हमारे जीवन में मेजर प्रॉब्लम जो कारण है वो है ओवरथिंकिंग, और ओवरथिंकिंग यानी अधिक सोचना ही हमारे जीवन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं नकारात्मकता लाता है, कहीं ना कहीं क्रोध लाता है। आज अगर हम छोटी सी बात देखें, कहीं पर भी कुछ छोटी बात हो जाएगी, हमारे मन का प्रोसेसर धीरे धीरे घूमता हुआ बहुत तेजी से घूमने लग जाता है और उस छोटी सी बात को इस मन के संकल्पों रूपी प्रोसेसर के द्वारा हम लोग बढ़ाते जाते हैं, उसको बड़ा करते जाते हैं, और जैसे ही हम उसको बड़ा करते हैं दोस्तों तो वो मन जो है प्रोजेक्टर की तरह उस छोटी सी बात को बड़ा तो कर देता है लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो भी बड़ी हो जाती हैं। एग्जाम्पल लीजिए, यदि किसी की छोटी सी बात को मैंने अपने मन में रखा, किसी ने मेरे अनुसार कार्य नहीं किया, उस बात को मैंने अपने मन में रखते हुए उसके बारे में सोचना चालू किया, मन मेरा परेशान हो गया, सोचते सोचते उस बात के, उस व्यक्ति के बारे में मैं सारी बातें एनालाइज कर लूंगा और उसको बहुत बड़ा एक रूप दे दूंगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, सारी नेगेटिव भावनाएं भी मेरे मन में बढ़ जाएंगी और ओवरथिंक के कारण सबसे पहले मैं स्वयं ही उस तूफान में सफर करूंगा। अक्सर यही होता है कि अपने मन में हम एक तूफान को रचते हैं और उस तूफान को रचने के बाद उससे परेशान होकर स्वयं ही हम कंप्लेन करते रहते हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह होगा, कैसे होगा। तो आज स्वीकार करें कि छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहने देंगे और जैसे ही आप ओवरथिंकिंग की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, एक सेकेंड में परिवर्तन करेंगे दोस्तों, आपके जीवन में सुख और शांति आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपको खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों दूसरा जो समान आज हमको स्वीकार करना है, जो समय की पुकार है, जो परिवर्तन है, वो है मेरा दृष्टिकोण बहुत बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली है। माई परस्पेक्टिव इज वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल। दोस्तों हमारा जीवन जो है हमारे दृष्टिकोण की ही रचना है। एक बारी की बात है, एक राजा, उसका राज्य अच्छा नहीं चलता था, तो महात्मा के पास गया और महात्मा ने कहा कि राजन ऐसा करो कि आप कुछ इस तरीके से अपने महल में परिवर्तन करो कि आपको सब कुछ हरा दिखाई दे। उसने कहा ठीक है। वो आया, उसने अपने कपड़ों को हरा कराया, अपने सिंहासन को हरा कराया और महल की सारी दीवारों को हरा कर दिया, और ऐसा करते ही उसे एक हफ्ते के अंदर ही उसका राज्य जो है वो बढ़ने लगा, उसके जीवन में, उसके महल के अंदर अशर्फियां, धन खूब आने लगा। उसे लगा ये तो बहुत बढ़िया है। जब वो बाहर, महल के बाहर अपने प्रजा के पास चक्र लगाने के लिए गया तो उसने देखा लोगों के अलग अलग कपड़े और मकान हैं। उसने सबको कह दिया कि यहाँ पे सब कुछ हरा होगा, सब हरे ही वस्त्र पहनेंगे। लोग परेशान हो गए, महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा ये आपने कैसा सुझाव दिया राजा को। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, मैं राजा के पास जाता हूँ। राजा के पास गया और उन्होंने कहा कि राजन मैंने आपको क्या कहा था। उन्होंने कहा था ऐसा करो कि आपको सब कुछ हरा दिखाई दे, और मैंने सब कुछ हरा करा दिया। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि राजन यदि आप हरा चश्मा पहन लेते तो आपका भी काम चल जाता और दूसरों का भी काम चल जाता। और जैसे ही महात्मा ने कहा कि राजा एकदम उसके चरणों में झुक गया, उसने सबसे क्षमा मांगी। दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को उनके स्वभाव को अपने दृष्टिकोण के अनुसार नापते हैं, उनको देखना चाहते हैं। यदि मेरे मन में कोई प्रोग्रामिंग है कि ये चीज इस प्रकार से होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने उस प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य नहीं किया तो वो व्यक्ति मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, खराब हो जाता है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने ही रंग से पेंट करना, ये मेरा आज निजी स्वभाव बन गया है। लेकिन दोस्तों जब मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक और पावरफुल है, लोग गलत नहीं है, लोग अलग हैं, तो दोस्तों ये बात को स्वीकार करते ही मेरे मन में सुख और शांति आती है, एक्सेप्टेंस आती है। जहां एक्सेप्टेंस आती है लोगों के प्रति एप्रिसिएशन आता है। आज संबंधों में मन मुटाव का कारण क्या है, केवल यही कि हमारी आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठती। आज देशों के बीच में टकराव का कारण क्या है, वह यही है हमारा अहम, हमारी इच्छाएं, हमारी छोटी छोटी बातें। आज स्वयं का स्वयं के साथ टकराव क्या है कि हम अपने आप को भी जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते। दोस्तों केवल अपने दृष्टिकोण को जब हम परिवर्तित करेंगे, हर व्यक्ति को, स्वयं को,
दुनिया के सब आत्माओं को, लोगों को हम स्वीकार करेंगे, परिस्थितियों को भी स्वीकार करेंगे दोस्तों, तो जीवन जीने का आनंद आएगा। और वैसे भी आप देखें, जीवन में वैरायटी का ही मजा है। अगर रोज ही एक रंग के कपड़े पहने, एक ही प्रकार का अच्छा सा भी भोजन खाएं, तो दोस्तों कहाँ आनंद रह जाएगा। इसलिए जीवन जीने का नाम ही है वैरायटी। वैरायटी लोगों के साथ अपने जीवन को जिए और उसमें आनंद और खुशी का अनुभव करिए दोस्तों। तो स्वीकार करिए दूसरे समान को, धारण करिए कि मेरा दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है और बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है दोस्तों। दोस्तों तीसरी बात जो आज हमें परिवर्तन करनी है, वो अपनी भाव और भावनाओं का करना है। स्वीकार करिए इस बात को कि मेरी भावनाएं और मेरा बहाव हर व्यक्ति के प्रति बहुत पॉजिटिव है, शुभ है, सकारात्मक है और पावरफुल है। दोस्तों यदि आज हम इस खेल को देखें कि हमारे जीवन में सब कुछ केवल दो शब्दों का खेल है, वो भावनाएं जो हमारे संकल्प से मन में उत्पन्न होती हैं, फिर हमारी वाणी में आती हैं और फिर हमारे कर्म में आती हैं, और भाव जो उसका एक्सप्रेशन हमारे संबंध और संपर्क में है। इसको एग्जाम्पल से देखिए ना दोस्तों, यदि मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, तो मेरे मन में कैसी भावनाएं उसके प्रति पैदा होंगी? मेरे मन में उसके प्रति हमेशा नेगेटिव भावनाएं पैदा होंगी, मेरी वाचा भी उसके प्रति ऐसी होगी, मेरे कर्म भी इसी प्रकार के होंगे। और जब मैं उस व्यक्ति से संबंध संपर्क में आऊंगा तो मेरा भाव भी उसी प्रकार से जाएगा। मैं अक्सर कहूंगा कि भाई मुझे ये ठीक नहीं लगता है। वो व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा मेरे लिए करे, लेकिन मेरे मन की भाव और भावनाएं नेगेटिव होने के कारण मैं उसके लिए कभी भी पॉजिटिव निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मेरे संबंध कैसे होंगे? खराब होंगे, नेगेटिव होंगे दोस्तों। इसलिए आज अपने जीवन में यदि परिवर्तन करना है तो सबसे पहले इधर की भावनाओं को परिवर्तन करना है। कैसी भावनाएं डालेंगे? प्यार की भावना डालिए, खुशी की भावना डालिए, उमंग और उत्साह की भावना डालिए, कल्याण की भावना डालिए, हर एक के प्रति अपनेपन की भावनाएं डालिए। यदि इन भावनाओं को, खुशी की, प्यार की, अपनेपन की, कल्याण की भावनाएं जब आप डालेंगे, आपका भाव भी परिवर्तित होता जाएगा। संबंधों में जो डिप्लोमेसी है वो समाप्त होती जाएगी, संबंधों में सकारात्मकता, संबंधों में पॉजिटिविटी दोस्तों बढ़ती चली जाएगी, आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को हर एक के प्रति शुभ और पावरफुल पॉजिटिव रखिए, यही हमारे श्रेष्ठ जीवन का, सकारात्मक जीवन का दोस्तों आधार है। दोस्तों चौथी बात जो हमको अपने जीवन में करनी है वो है अपनी वाणी का परिवर्तन। स्वीकार करिए इस चौथी बात को कि मेरी वाणी बहुत बहुत मीठी और सुखदाई है। सोचिए अगर मेरी वाणी जो है वो मीठी और सुखदाई है तो कितना आनंद आएगा। दोस्तों एक बारी की बात है कि एक लुकमान गुलाम था, बहुत विद्वान माना जाता था, और राजा ने कहा मैं तुम्हें आजाद करता हूं लेकिन तुम्हें मेरी दो बातों का उत्तर देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। उसने कहा सामने एक मानव का शरीर पड़ा है, जाओ इसमें से सबसे खराब अंग को काट कर ले आओ। वो गया और वो जीभ काट कर ले आया। राजन ने कहा ये क्या लेकर आए? उसने कहा राजन जिस व्यक्ति की जीभ खराब है उसके लिए तो सब कुछ खराब है, वो अच्छा भी करेगा लेकिन बोलेगा इतना कर्कश तो क्या होगा, उसके संबंध सदा खराब होते चले जाएंगे। राजा बहुत खुश हुए, उसने कहा जाओ सबसे अच्छे अंग को काट के लाओ। वो फिर गया, फिर जीभ को काट के ले आया। उसने कहा राजन जिसकी जीभ मधुर है, वाणी मधुर है, उसके जीवन में तो सब कुछ मधुर है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे शब्दों के अंदर झूठ की चाशनी, हमारे शब्दों के अंदर कपट की चाशनी कभी मत मिलाइए। शब्दों के अंदर जब सकारात्मक भावनाएं, हमारे पॉजिटिव थॉट्स का मिश्रण होगा तो ऐसे शब्द जो हैं हर आत्मा को, हर व्यक्ति को सुकून देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे और संबंधों को सदा पावरफुल और पॉजिटिव बनाएंगे। दोस्तों एक संकल्प करिए, कैसा भी व्यक्ति, कितना भी कठोर व्यक्ति, कितना भी नेगेटिव व्यक्ति, कितना भी कर्कश व्यक्ति मेरे सामने आए, लेकिन मेरी वाणी उस व्यक्ति के प्रति सदा मधुर और मीठी होनी चाहिए। चाहे वो मुझे खराब भी बोल रहा हो, मुझे रहम दिल बनकर, उसके प्रति करुणा रखकर, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाते हुए, रहम की भावना रखते हुए वाणी में उसके प्रति कल्याण के शब्द उच्चारण करने चाहिए। सोचिए ऐसे मानव का जो वाक्य है वो वाक्य नहीं रहता दोस्तों, वो महावाक्य बन जाता है, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ वाक्य दोस्तों बन जाता है। इसलिए स्वीकार करिए कि मेरी वाणी बहुत ही मीठी और सुखदायी है। दोस्तों पांचवी बात जो हमको स्वीकार करनी है, वो स्वीकार करनी है कि मेरे कर्म सदा श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं। दोस्तों हमारे कर्म यदि श्रेष्ठ हैं वो हमारे
आगे आने वाले जीवन का को निर्धारित करते हैं, उसका दिशा निर्देश करते हैं। दोस्तों, जब मानव मन के अंदर सुख की भावना है, वाणी सदा कल्याणकारी है, ऐसे व्यक्ति के कर्म सदा श्रेष्ठ होंगे। हम अपने साथ कुछ भी दोस्तों लेकर नहीं जाते, हमारे साथ हमारे एक संस्कार जाते हैं और हमारे संस्कार बनते हैं हमारे श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। एक बार की बात है, ये वाल्मीकि जी की कहानी है, जो एक बहुत बड़े चोर थे, जो एक बहुत बड़े डाकू थे। तो एक बारी जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक महात्माओं को पकड़ लिया। तो महात्माओं को पकड़ कर कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मुझे सब कुछ तुमसे चाहिए। तो महात्माओं ने बोला कि हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे जो भी हमारे पास है, लेकिन तुम हमें एक बात बताओ कि तुम ये कर्म किसके लिए करते हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। तो उन महात्माओं ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि जो कर्म तुम करते हो, तुम्हारे कर्म का जो भोग है, जो फल है, वो तुम्हारे फैमिली वाले भी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे? उसने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम पता करके आओ। उस डाकू ने उनको बांध दिया और गया अपने परिवार वालों से पूछने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर्म करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे कर्म में भागी बनोगे? सभी ने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, हम क्यों करेंगे। उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। वो वापस आया और वापस आकर अश्रुधारा के साथ उस दिन उसने अपने सब चीजों का त्याग कर दिया और कहा कि आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं कि मेरे कर्म तो मुझे ही झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए उस दिन उसने सब चीजों को छोड़कर तपस्या आरंभ की और वो वाल्मीकि के नाम से दोस्तों जाना गया। दोस्तों, इसी प्रकार अपने जीवन में सब कुछ इकट्ठा करिए, लेकिन सुकून और अच्छे कर्मों का खाता भी श्रेष्ठ बनाइए। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, हमारे कर्म हमारे लिए प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, पावरफुल ऑरा का दोस्तों कार्य करते हैं, आभा मंडल का कार्य करते हैं। और दोस्तों, आखिरी बात जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वीकार करें इस छठी बात को कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, सफलता में हलचल का कारण संकल्पों में हलचल है। जब हमारे संकल्प दृढ़ नहीं है, हमारे संकल्प शक्तिशाली नहीं है दोस्तों, तो हमारी सफलता भी निश्चित नहीं रहती, हमारी सफलता भी हमसे दूर जाती जाती है। हमारे यदि संकल्प पॉजिटिव और पावरफुल हैं, तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को सदा पावरफुल और श्रेष्ठ रखिए, सदा शक्तिशाली रखिए। दुनिया में कोई भी शक्ति आपकी सफलता को आपसे दूर नहीं ले जा सकती। हमारे संकल्प ही हमारे मन की कमजोरी बनते हैं और हमारी कमजोरी ही हमारे सक्सेस को, जो चीज हमारे पास आ रही है, उसको हमसे दूर ले जाती जाती है। और जानते हैं अपने संकल्पों में हलचल को समाप्त करने का सबसे सुंदर तरीका दोस्तों क्या है? उसका सबसे सुंदर तरीका है योग और मेडिटेशन अभ्यास को अपने जीवन में करना। दोस्तों, योग और मेडिटेशन का जो अभ्यास है, ये हमारे मन के संकल्पों में स्थिरता लाता है, सकारात्मकता लाता है, उन थॉट्स के फ्लो प्रोसेसेस को पॉजिटिव, पावरफुल और एनर्जेटिक बनाता है। दोस्तों, जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ और पावरफुल होते हैं, ये अनेकों अनेक आत्माओं को सुकून और शांति देने के निमित्त बन जाते हैं, कल्याण बन जाते हैं। यही एक श्रेष्ठ जीवन का आधार है। उस परिवर्तन का जो मूल आधार है, वो है योग की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति। केवल दोस्तों सोचने से, बोलने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन बातों को जब हम जीवन में अनुभव करेंगे, तो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए केवल कुछ पल हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और इन सम्मानों को अपने आप को देते हुए स्वीकार करते हैं और एक सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। बैठिए, आराम से अनुभव करिए इस शरीर के अंदर शक्तिशाली ज्योति के रूप में विराजमान मैं शांत आत्मा हूं, ज्योति हूं, प्रकाश हूं। मेरा एक एक संकल्प बहुत शांत और शक्तिशाली है। परमात्मा की पवित्रता, शांति, प्यार और खुशी की किरणें मेरे संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बना रही है।
मेरी वाणी और मेरे कर्म हर आत्मा के प्रति बहुत बहुत सुखदायी है। महसूस करें शक्ति को, स्वीकार करें। ये पावरफुल वाइब्रेशंस मेरे संबंधों को बहुत श्रेष्ठ और सुखदायी बनाते हैं। पवित्रता का यह आभा मंडल मेरे लिए सदा सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। सफलता मेरी निश्चित है और इस निश्चित स्थिति में ही मैं सदा निश्चिंत अवतरित परमात्मा का फरिश्ता हूं। ओम शांति।